झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। वो जल्द ही बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। बताया जा रहा है कि वो 30 अगस्त को बीजेपी का दामन थाम लेंगे और दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद चंपाई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने पर फैसला हुआ, जिसके बाद से राजनीति गरमाई हुई है। जानकारी के मुताबिक चंपाई सोरेन 30 अगस्त को आधिकारिक रूप से पार्टी की सदस्यता लेंगे। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद चंपाई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने पर यह फैसला लिया गया है। असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने एक्स पर एक फोटो पोस्ट की, जिसके बाद इसकी पुष्टि की गई। इससे पहले कयास लगाए जा रहे थे कि चंपाई सोरेन अपनी अलग पार्टी भी बना सकते हैं और आने वाले झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब इसको लेकर असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने रात करीब 11:30 बजे एक्स पर लिखा कि झारखंड के पूर्व सीएम और हमारे देश के दिग्गज आदिवासी नेता चंपाई सोरेन ने कुछ समय पहले माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। शर्मा ने बताया कि चंपाई सोरेन 30 अगस्त को रांची में बीजेपी में शामिल होंगे। इसी के साथ साफ है कि चंपाई सोरेन जेएमएम से अलग होकर नया संगठन नहीं बनाएंगे। जाहिर है कि झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले चंपाई सोरेन का यह कदम जेएमएम के लिए एक बड़ा झटका है। हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री चंपाई सोरेन ने पिछले दिनों जेएमएम से बगावती सुर अपनाते हुए वो दिखे थे। उनको लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। उन्होंने बीजेपी में शामिल होने को लेकर कहा था कि वो सभी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। सुनिए उनका तब का बयान। आराम से पहले दिल्ली तो हम निजी काम में गया, आईडी सर पे किए और उस बीच में हमने अपना पोस्ट करके अपना जो सोच पूरा प्रदेश प्रदेश हमारा हमारा सोच को देख लिया, उसी पर हम खड़े। बहुत जगह इसी तरह रुकते रुकते आ रहा था, घोड़ा घोड़ा काफी सुनता था वहां भी रुके। हमारा जो तीन गो ये है देखिए, ना संबंधेंगे या संगठन को बनाएंगे या उसी रास्ते में अगर अच्छा दोस्त मिलेगा तो पुष्टि कर